तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब कांग्रेस के साथ यूपी में हाथ मिलाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के दर्जनों नेता साथ आ गए, जिसमें इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के सरबराह बरेली शरीफ, उत्तर प्रदेश के हजरत मौलाना तौकीर अहमद रजा खान साहब ने लखनऊ स्थित नेहरू भवन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पांचों प्रदेशों में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान कर दिया है। उनके समर्थन का स्वागत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि समर्थन आने वाले दिनों में यूपी कांग्रेस की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तर प्रदेश से प्यार करने वाले तमाम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और खास तौर से मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपील करता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अमन बरकरार रखना है तो किसी भी कीमत पर अपने वोट को तकसीम नहीं होने देना है। कांग्रेस की हिमायत पर वोट करना है। जब मुसलमान और दलित और तमाम लोग खड़े हुए हैं तब तक कांग्रेस ने सरकार बनाई है और इस बार भी इंशाल्लाह हम सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद। इसकी नौबत ही नहीं आएगी, वो सवाल मेरा है, मैं बता। ये फैसला कांग्रेस ने करना है, लेकिन गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए मेरी दरख्वास्त है कि अगर हमें कुर्बानी भी देना पड़ती है तो हमें देना। मैं आज अपनी कुर्बानी, अपनी पार्टी की कुर्बानी देकर आपके साथ आया हूँ। अगर आपको किसी का साथ देना पड़े तो मेरी दरख्वास्त है। फैसला कांग्रेस ने लेना है कि किसका समर्थन, जिसके भी ज्यादा एमएलए होंगे उसका मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात है।